के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति पाठी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन के 13वें दिन यानी मंगलवार को भारत बंद की हुंकार भरी गई थी, जिसे कांग्रेस समेत करीब 2 दर्जन विपक्षी दलों का समर्थन था। बावजूद इसके देश के कई राज्यों में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। हाँ, कुछ हिस्सों में बंद की व्यापक तस्वीर जरूर दिखी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसानों के बंद को सफल या असफल बनाने में क्या शासन प्रशासन की अहम भूमिका रही। दरअसल जहां से बंद की बड़ी तस्वीरें सामने आई, वहां सत्ता में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी या फिर गठबंधन वाली सरकार थी, जबकि बीजेपी शासित राज्य में बंद का आंशिक या कहे कि ना के बराबर ही असर दिखा। कुछ जगह हुए प्रदर्शन को छोड़ दें तो बीजेपी शासित राज्यों में बंद फीका साबित हुआ। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जहां बीजेपी है वहां के किसान खुश हैं और जहां बीजेपी नहीं है वहां के किसान बेचैन हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बंद का व्यापक असर क्यों नहीं था? जिस मध्य प्रदेश में किसान अपनी मांगों को लेकर काफी आक्रोशित हो जाते हैं, वहां उनका शांतिपूर्ण ढंग से बंद कैसे निपट गया और छत्तीसगढ़ में बंद क्यों काफी हद तक सफल रहा? ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि नए कृषि कानूनों का क्या देश के अलग अलग राज्यों की मौजूदा स्थिति के हिसाब से किसानों को नफा या नुकसान होगा? आज इसका भी जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे बंद की पालकी में, और पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की। तो देश के तमाम हिस्सों में किसान आंदोलन की आग भड़की है। कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालने का भी काम कर रहे हैं। कुछ दलों को तो ये भी लगता है कि यही सही मौका है केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी कर रही है। लिहाजा सवाल यह है कि जब राज्यों को कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? इसके नाम पर भारत बंद करने का फैसला, आवश्यक सेवाओं को बहाल करने का फैसला कहां तक उचित? क्या किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं? इसे लेकर चर्चा शुरू करें। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बंद की बानगी कैसी रही, किसने क्या कहा, एक रिपोर्ट के जरिए पहले जा रहे। देश के कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी किसानों के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सत्ताधारी दल के नेता सुबह से ही सक्रिय दिखाई दिए। कांग्रेसियों ने लोगों से बंद को लेकर सहयोग की अपील भी की। ये नजारा बता रहा है कि बंद का बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि अन्नदाता की हक और अधिकार की लड़ाई है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार किसान विरोधी है। ऐसे में किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने बंद के बीच एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जो हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का दिया हुआ अनाज खाते हैं वो आंदोलन के साथ हैं, जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो आंदोलन के खिलाफ हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां उनके समर्थन में भारत बंद के समर्थन कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लाए। इधर बंद पर कांग्रेस के समर्थन को बीजेपी ने राजनीति के षड्यंत्र बताया। राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि किसानों का आंदोलन नहीं है। उनके मुताबिक जिन्होंने शाहीन बाग एनआरसी को लेकर आंदोलन किया ये उन्हीं राष्ट्रव्यापी विरोधियों का आंदोलन है। ये वही लोग हैं जो सीएए के विरोध में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब आया उसके विरोध में शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्य जो है ये खुल करके समर्थन इसलिए कर रही है कि क्योंकि इसके पीछे जो संयोजक है ये कांग्रेस पार्टी ही है। वार पलटवार से तर बात करें तो मामला किसानों से जुड़ा है और जरूरी है कि सियासत की बजाय समाधान निकाला जाए। इस बंद के साथ ही किसानों और कई राजनीतिक दलों का जो आंदोलन है उसका केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ता है ये देखना अहम होगा।
स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सुप्रिया पांडे की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में बंद की बानगी कैसी रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से गए कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, आपका स्वागत है। किसान नेता रूपन चंद्राकर जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी, आपका भी स्वागत है। पर विकास जी, आपसे सवाल, पाकिस्तान से अनाज आता है क्या यहाँ? आपके प्रवक्ता ने कहा है कि जो समर्थन नहीं कर रहे वो पाकिस्तान का अनाज खाते हैं, वही जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से कितना अनाज आता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी में लिप्त कर दिया जाता है जी। और ये इसके सैकड़ों उदाहरण इस 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिला है। किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल कर दिया भारतीय जनता का। और आज जब पूरे देश में 25 प्रदेशों से भी ज्यादा प्रदेश में 10,000 से भी ज्यादा स्थानों पे जब किसान आंदोलन कर रहा है, अन्य राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरा रूप दे रही है। और जो आरपी सिंह जी हमारे प्रवक्ता ने जिस बात को कहा उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि अगर आज 24 राजनीतिक दल के लोग किसान के आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं तो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है। और उन्होंने जिस बात को कहा उसको मैं बहुत ध्यान से, उनके स्टेटमेंट को भी मैंने पढ़ा, उनके ट्वीट को भी मैंने पढ़ा, उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आप जाइए तो आपको इस प्रकार की बातों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जी। तो मतलब आप भी, उन्होंने भी इन्वॉल्व कर दिया कि जो समर्थन है, सुंदरानी जी पाकिस्तान का अनाज खाते हैं क्या आप? सुंदरानी जी आवाज आ रही है? देखिए त्रिपाठी जी, ये मदमस्त साथी में सवार हो गए कांग्रेस के लोग। और जब जब जो सत्ताधीश लोग मदमस्त साथी पे सवार हो जाते हैं ना, तो सत्ता उनके से दूर चली जाती है। ये जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, पूरे देश की जनता जानती है कि पाकिस्तान के हिमायती कौन है, पाकिस्तान की भाषा कौन बोलते हैं, पाकिस्तान के समर्थक कौन लोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। किसानों के लिए भड़ियाली आंसू बहाने वाली यह पार्टी, किसान आंदोलन में घुसकर राजनीति करने वाली यह पार्टी 55 साल सत्ता में रही है। अगर मैं 55 साल की भी बात न करूं तो यूपीए 1 और यूपीए 2 जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता छोड़ी थी तब धान का समर्थन मूल्य 1200 रुपए था। और जब से मोदी जी ने 6 साल से सत्ता अपने हाथ में ली है, ये धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपए हुआ है। 55 साल के शासन, 6 साल हो भी तो गए साहब, 6 साल हो भी गए जी। 600 रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ा है 6 साल में जी। जी जी बोलिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करूं त्रिपाठी जी, जब से इनकी सरकार आई है 2 साल में किसानों का धान 1 दिसंबर के बाद खरीदी शुरू करते हैं और अस्त व्यस्त तरीके से खरीदी शुरू करते हैं। न धान के बारदाने इनके पास रहते हैं, न भुगतान करने के लिए पैसा इनके पास होता है। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने 2.25 साल में ले लिया, उसके बाद भी किसानों को 2500 रुपए का वादा करने के बाद 4 किस्तों में पैसे देते हैं। 1 साल पूरा निकलने के बाद वे 4 किस्तें पूरी। अरे आप तो इस कानून पे बात करें, भारत बंद पे बात करें, अगर समूचा छत्तीसगढ़ में जगह जगह आंदोलन हो रहा है, किसान नहीं चाहते हैं, पूरी तरह विफल रहा। त्रिपाठी जी, पूरी तरह भारत बंद विफल रहा। अगर 2 बजे तक दुकानें बंद हुई तो इसलिए बंद नहीं हुई कि व्यापारी किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए बंद किए कहीं उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ न हो जाए, कहीं उनके दुकानों को क्षति न पहुंचाए। तो 2 बजे तक का समर्थन उन्होंने दिया, सिर्फ इसलिए दिया कि उनको किसान बिल से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो किसी व्यापारी से पूछ ले कि क्या आप किसान बिल के विरोध में आपने बंद को समर्थन दिया क्या। वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की सत्ता है,
कहीं उनके दुकानों में क्षति न पहुंचे, लाखों रुपए का नुकसान न हो जाए, इस डर से समर्थन दिया है। और लेकिन तस्वीरें तो बताती हैं कि सफल रहा पूरी तरह से, तस्वीरें बताती हैं, फुटेज बताते हैं। कोई सफल नहीं रहा, कई सफल नहीं रहा, सिर्फ बड़ी मार्केटों में चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि मैं स्वयं त्रिपाठी जी 27 साल चेंबर के महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि चेंबर ऑफ कॉमर्स जब राजनीतिक दल को समर्थन देता है तो मुद्दों पे समर्थन नहीं देता है, वो सिर्फ इस भय से समर्थन देता है कि कहीं व्यापारियों के माल की क्षति न हो जाए। चलिए सुंदरानी जी, एक सवाल है यहाँ पे, आ रहा हूँ विकास जी आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास, मौका दूंगा पूरी तरह से। सुंदरानी जी, आपके सांसद महोदय ने कहा है कि शाहीन बाग में जो बैठे थे वही हड़ताल कर रहे हैं सीए के विरोध वाले, कि जितने हड़ताल पे बैठे हैं किसान सब शाहीन बाग गए थे क्या बैठने, धरने पे बैठने? देखिए त्रिपाठी जी, जब आरपी सिंह का ये आता है ट्वीट कि जो लोग पाकिस्तान का अन्न खाते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो सीए का विरोध करने वाले लोग ही तो कर रहे थे इनका समर्थन जी। अरे शाहीन बाग, उन्होंने कहा शाहीन बाग में बैठे थे सीईओ का विरोध कर रहे थे, इसमें बहुत सारे खांटी किसान दिख रहे हैं। नहीं, सीए का विरोध करने ही तो शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनका समर्थन भी तो यही कांग्रेस वाले कर रहे थे। चलिए विकास जी, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ रूपन चंद्राकर जी है, किसान नेता भी है। चंद्राकर जी, आपका क्या कहना है, बंद कैसा रहा, सफल रहा, नहीं रहा, और इस कानून में बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिससे किसानों को, जैसा कि कहा जा रहा है, किसानों को फायदा होगा, बिचौलिए बीज से हट जाएंगे, तो ऐसे में तो किसान को अगर फायदा देने की बात कही जा रही है, आप भी जानते हैं कि जितना किसान को नहीं मिलता है उससे कहीं दुगुना तीन गुना बिचौलिए खा जाते हैं। रूपन जी 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 त्रिपाठी जी जी, मैं अभी सुन रहा था जी, भाजपा के सांसद का भी बात सुना हूँ और बीजेपी के नेता का भी बात सुना हूँ जी, जो विधायक रहे हैं जी, मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसानों पर उपहास उड़ाने वाले नेताओं को, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसका किसानों का अन्न खाने वाले किसानों का अपमान करने में तुले हैं। ये कानून क्या किसानों ने मंगा था? यह कानून पास कराने के लिए क्या किसानों से परामर्श लिया था जी? क्या किसानों ने ये मांग किया था कि ये कानून लेके आओ? ये सारे जुमलेबाजी जो मोदी कहते हैं, इनके सारे चमचे कहते हैं, बीजेपी के सारे चमचे कहते हैं। थोड़ा सा सैनिक भाषा का उपयोग करें रूपन जी, तो बेहतर रहेगा। रूपन जी हमारा आपसे अनुरोध है, रूपन जी सैनिक भाषा का उपयोग करें कृपया, ये न्यूज चैनल है। किसानों को यदि कांग्रेस की भाषा की बात किया जाता है तो विरोध किया जाएगा जी, विरोध किया जाएगा बीजेपी के लोगों के, विरोध करिए, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है, ये न्यूज चैनल है, सैटेलाइट न्यूज चैनल है, ये कोई मंच नहीं है, इसमें थोड़ा सैमित भाषा का उपयोग करें, सैमित भाषा का कांग्रेस की ओर से कहा जाता है जी, बंद का अपमान किसानों ने किया है पूरे भारत में, बंद सफल रहा है छत्तीसगढ़ में, ये मैं कहना चाहूंगा जी। जिस बात को कहा जा रहा है किसान किसी का हित नहीं चाहता जी, किसी व्यापारी का, किसी का कुछ भी, या सामाजिक संगठन के द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है जी, उपद्रव जो है। अच्छा, इस कानून में गड़बड़ क्या है रूपन जी, बताइए कानून में गड़बड़ क्या है? कानून में गड़बड़ क्या है जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि भी उसको किसने अधिकार दिया है? क्या किसानों से मत लेकर के कहने की इस कानून को लाया है? आज आलू का रेट के जो है 50 और 60 रुपए, अधिकार आपने दिया है रूपन जी, देश की जनता ने दिया है, संसद में उनका बहुमत है, देश की जनता ने दिया है, और जिस तरह से कई कानून, बहुत सारे कानून बने हैं उसमें संबंधित लोगों की सलाह लेके नहीं बनाए गए हैं, नहीं बनाया गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जो किसानों से परामर्श लिए हुए किसानों के ऊपर कानून थोपने वाले को शर्म आनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात अलग है, आपने कहा अधिकार की बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अधिकार उनको आप ही लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है। नहीं, अधिकार दिया है कि मतलब किसानों का गला दबाने के लिए दिया गया है, किसानों ने ये दिया है तो
जी इसमें हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपसे किसानों के साथ ये गलत कानून थोपने के लिए किसानों ने गलत ही कहा गया है। अरे हम आपसे रूपन जी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, इस कानून में गलत क्या है ये आप बोलेंगे तो जनता और किसान सुनेंगे चैनल के माध्यम से, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसमें कहाँ गड़बड़ी है। पूरी मंडी समाप्त हो जाएगी। एमएसपी पर क्यों कानून नहीं लाया, एमएसपी पर क्यों कानून नहीं लाया गया इस सरकार ने, भारत सरकार ने जी? अच्छा अनिवार्य वस्तु और जीएम से क्यों दूर किया गया, कॉपरेट वाला मामला क्यों लाया गया जी? भाई हमसे यदि जब अपनी जमीन मातृभूमि रेखा दे रहे हैं तो हम स्वतंत्र थे कि नहीं थे, बातें थी, उस पर कानून लाने की क्या आवश्यकता है? चलिए तो आप ये मानते हैं कि अगर एमएसपी है बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए गोडाउन बनाने की क्या आवश्यकता है? रूपन जी आप ये मानते हैं कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है एसडीएम कोर्ट के अलावा न्यायालय में भी जाने की क्षमता हो जाती है तो कानून सही है की कानून लाना चाहिए? अरे आप सवाल तो सुन लीजिए रूपन जी, सवाल तो सुन लीजिए हमारा। हम ये कह रहे हैं कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य मान लेती है सरकार कि हम तय कर देते हैं एमएसपी, ठीक है, और एसडीएम कोर्ट के अलावा कोर्ट में भी न्यायालय में भी आप जा सकते हैं किसान, ये दोनों चीजें अगर मान ली जाती हैं तो फिर आप सहमत हैं क्या, ये कानून सही है क्या? मेरा ये कहना है किसान कोर्ट क्यों जाए जी, किसानों को कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है जी? कोर्ट जाने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। यदि भारत सरकार किसानों की यदि पीड़ा को समझने वाली यदि आम जनता की सरकार है, किसान जो चाहता है एमएसपी से कम कीमत पर यदि खरीदी होता है तो सजा का प्रावधान होना चाहिए जी। हम किसान क्यों न्यायालय जाए जी? तो आप यही चाहते हैं अगर ये बात मान ली जाती है एमएसपी कानून को, तीनों कानून को समाप्त किया जाए। ये आप तीनों कानून अगर एमएसपी मान ली जाती है केंद्र सरकार, जैसे कि कल आप लोगों की बैठक है उसमें अगर मान लेती सरकार के कागज में ले आती है कि हम एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देंगे तो आप लोग मान जाएंगे क्या? तीनों कानून नहीं, वो भी होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि तीनों कानून को समाप्त किया जाए, जो किसान नहीं मांग रहे हैं उस कानून को समाप्त किया जाए जी, इस अध्यादेश को वापस लिया जाए जी। चलिए सुंदरानी जी कुछ बोल रहे थे, विकास जी आप उस समय कुछ कहना चाह रहे थे सुंदरानी जी की बातों को लेकर के। विकास जी त्रिपाठी जी, जी बहुत दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको राजनीति कहते हैं, सिंधु बॉर्डर पे 50,000 किसान अपने परिवार के साथ छोटे बच्चों के साथ बैठकर आंदोलन कर रहे हैं जी। जिनको खेतों में काम करने की जरूरत है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो दिखता नहीं है जी? जब कानून बनाया था, मैं चंद्राकर जी की बात सुन रहा था, क्या किसानों के साथ कोई परामर्श किया था, कोई सलाह उनसे ली थी? नहीं, कोई बात उसको भी नहीं मानने की बात है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के बिल का कानून, ऐसा कानून बनाना जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। अगर किसानों को फायदा होता तो वो सड़क पर क्यों बैठते, वो आंदोलन क्यों करते? आज दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड पूरे देश में दिल्ली में है, वहां की केंद्र सरकार के द्वारा उनके ऊपर पानी से बौछार की जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, 20-20 फीट सड़क में गड्ढे कर दिए जा रहे हैं कि उनके आंदोलन को रोके। वो पहले अपने जिलों में, अपने गृह जिलों में, अपने प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, तब उनको सड़क के माध्यम से रोड पर आना पड़ा, और अब जब अपने अधिकार की बात वो रख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी के रूप में कहीं खालिस्तान की बात कर रही है, कहीं दूसरी चीजों पर बात कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, जो उनके खिलाफ में जाएगा, जो उनके विरोध में बोलेगा, उनकी सरकार के विरोध में बोलेगा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में बोलेगा, उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी में उसको शामिल कराने का प्रयास वो करते हैं जी। वैसे तो आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये कानून लागू भी कर देंगे तो हमारे राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एमएसपी पे ही खरीदेंगे और वो अपना अलग से व्यवस्था कर लेंगे, तो फिर आंदोलन क्यों? जब भूपेश जी अपनी अलग से व्यवस्था कर देंगे तो आंदोलन क्यों किया जा रहा है, एक बात। दूसरा, मैंने थोड़ा सा देखा है विकास जी, जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहीं पे इस आंदोलन का असर अच्छा खासा दिखा है, जो भाजपा शासित राज्य है वहां इस आंदोलन का असर नहीं दिखा, क्या वहां के किसान खुश हैं?
श्री पाठी जी, मैंने जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस उन प्रदेशों में इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया। मैंने पहले आपको बताया था कि 25 से भी ज्यादा प्रदेशों में आंदोलन हुए, 10,000 से भी ज्यादा जगह बंद के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां जो 24 अलग अलग राजनीतिक दल के लोग इसका समर्थन कर रहे थे उनको नजरबंद करने का काम किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको उनके घरों में कैद किया गया, संबंधित उनके घर गृह क्षेत्र के संबंधित थानों में उनको अरेस्ट किया गया, इसीलिए वहां आंदोलन पर थोड़ा असर पड़ा। मैं छत्तीसगढ़ के बंद के विषय में आपको बता रहा हूं, हम सवेरे 5 बजे से निकले थे बंद कराने, लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हाथ जोड़कर हम लोगों ने बंद कराया। मैं सुंदरानी जी की बात सुन रहा था, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में, किस दिन व्यापारियों को बंद को लेकर उनके यहां तोड़फोड़ हुई कि वो डर के तोड़फोड़ के डर में चैंबर ऑफ कॉमर्स उसका समर्थन करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री चंद सुंदरानी जी पहले विधायक रहे हैं, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं, विधायक जनप्रतिनिधि रहे हैं, हिस्सा अभी भी है। की बात उन्होंने घोषणा पत्र में की थी, लेकिन किसानों को छलने का काम उन लोगों ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी है, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी जी चुनाव के पहले गए थे और इस बात को कहा, मन से कहा था चुनाव के पहले, चाहे कर्नाटक में आप देखें चुनाव के बाद किसानों का कर्जा माफ हुआ, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ हुआ, चाहे मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, किसानों का कर्जा माफ किया, यही कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ साहब, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, 35,000 करोड़ की जरूरत थी, 40,000 करोड़ की 6,000 करोड़। मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम 10 से 11,000 करोड़ ही माफ हुआ है, 40 से 45,000 करोड़ की जरूरत थी। तो जितने हम सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दलगत जिस प्रकार से दल बदलू की राजनीति कराई, और उस समय हम सरकार में नहीं थे, इसे नहीं कर पाए। जब तक सरकार में कमलनाथ जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है। सुंदरानी साहब, ये देखा गया है कि जहां आपकी सरकार नहीं है वहां खांटी किसान, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिनको आप किसी राजनीतिक दल से नहीं बांध सकते, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन देखा है, मैंने उनको अगुवाई वो कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर किसान नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती कानून क्यों थोपा जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किसान खुशहाल है, किसानों की हर बात का ध्यान वहां की राज्य सरकार रख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किसानों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, धान खरीदी के मामले में पूरी तरह से विफल रहे, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी आक्रोश दिखता है किसानों के मन का, किसान आत्महत्या कर रहे साहब। अभी कोंडागांव प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वहां के किसान ने आत्महत्या की है, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि जब आपके साथ वाद विवाद होता है तो मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन आप ऐसा ना कहें कि इस कानून के खिलाफ नहीं, जो छत्तीसगढ़ आज बंद हुआ है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो धान का रेट उनको नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा तो आरोप मत लगाइए। नहीं, किसान परेशान है यहाँ का किसान परेशान है जी। चलिए, भाजपा शासित राज्य निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पर जी 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 बोलिए बोलिए सर। किसानों के साथ खड़े हैं हम, किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के आय देवड़ी हो दुगनी हो यह मोदी जी का संकल्प है, चंद्राकर जी चाहे हमें कितना भी कोस ले, लेकिन किसानों के हितैषी है हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो क्यों कोस रहे हैं फिर, अगर वो तो किसान नेता है। 50,000 लोग कैसे बैठे सुंदरानी जी, सिंधु बॉर्डर पे 50,000 लोग बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो खुश है आपके कानून से खुश है? दिल्ली में जो जनसंख्या है, दिल्ली पंजाब हरियाणा कुछ में के किसान वहाँ पे आए हैं, हमारी सरकार बात कर रही है, 5 दौर की बात हुई है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे, किसानों की बातों को मानेंगे, किसानों की बातों का सम्मान करेंगे, चाहे विकास जी आपकी पार्टी कितना भी भड़का ले मोदी जी के खिलाफ, लेकिन ये देश मोदी जी के साथ खड़ा है।
सुंदरानी जी, हरियाणा में तो आप ही की सरकार है, तो फिर हरियाणा किसान क्यों है? तीनों बिल को वापिस लेंगे तो अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा। तीनों बिल को वापिस ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, तो तीनों बिल को वापिस ले लीजिए। आप जो संगठन वहां गया है, जो आंदोलन कर रहा है, उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होगा तब तक वो वापिस जाने वाले नहीं है। किसान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार मिलकर तय कर लेंगे, हमको कांग्रेस की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है वहाँ पे। लेकिन हरियाणा में तो आपकी सरकार है, तो हरियाणा किसान क्यों बॉर्डर पे बैठे? वो तो देखिए, अलग अलग राज्यों अलग अलग परिस्थितियां रहती है। निश्चित रूप से वहां के किसान दिल्ली आए हैं और हमारी केंद्र की सरकार किसानों से चर्चा कर रही है, किसानों से बातचीत कर रही है, पांच दौर की बातचीत हुई है। इन लोगों ने किसानों के दिमाग में भर दिया एमएसपी समाप्त होगा, इन्होंने दिमाग में भर दिया मंडियां समाप्त होगी कि जी मंडियां समाप्त होगी न एमएसपी समाप्त होगा। किसानों की आय कैसे बढ़े यह चिंता मोदी जी की है, और मोदी जी ने कहा है कि डेढ़ गुना दो गुना किसानों की लागत का किसानों को मिले, हम उस दिशा में कदम उठा रहे और हम उस दिशा में सफल होंगे। सुंदरानी साहब, रूपन जी से पूछ लेते हैं। रूपन जी, अभी सुंदरानी साहब कह रहे हैं न मंडी खत्म होगी न एमएसपी खत्म होगी, फिर ऐसी स्थिति में आप जो एमएसपी की बार बार बात कर रहे हैं, तो एमएसपी तो सरकार मुझे लगता है कि वापस लागू कर देगी। जी हमारा ये कहना है जी, पहले पूछ लीजिए जी, ये कह रहा है कांग्रेस भड़का रहा है तो किसान को ये मूर्ख समझ रहे हैं? किसान क्या अपने अच्छा बुरा नहीं समझते जी? है इन्होंने छत्तीसगढ़ में दो पंचवर्षीय में किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है जी, आज कांग्रेस की सरकार है, इनके द्वारा धान लिया जा रहा है तो 14 क्विंटल 80 किलो बचत अपनी उपज, क्या किसानों की उपज 14 क्विंटल 80 किलो है जी? बाकी उपज को 1100-1200 में चले जी बेचने पर किसान मजबूर है जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है कि बीजेपी वाले जिम्मेदार है? भारत सरकार की गलत नीति का गणित जी किसानों पर असर है। अरे अरे सुनिए चंद्राकर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, 40 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदा था केंद्र, किसानों का 60 लाख मेट्रिक टन चावल खरीद रहा है, अन्य सामानों का कीमत आसमान छू रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? नियंत्रण नहीं है भारत सरकार का तो। और हरियाणा का किसान कह रहे कि जब आपके पार्टी में खुश है तो चंद्राकर जी कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कह रहा है, इसलिए किसान है, किसान अपना भला बुरा समझता है, कह रहे जी इस बात को समझ लीजिए, भाजपा वाले समझ लीजिए, किसानों को कांग्रेस ही यार बीजेपी यदि बोलने वाला है तो मैं उनको शर्म करने की बात कहूंगा, हमेशा कहूंगा। चलिए चलते चलते विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में बहुत कम समय बचा है जी। विकास जी त्रिपाठी जी, मैं अभी सुंदरानी जी की बात को सुन रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार किसानों के साथ है, बीजेपी पार्टी किसानों के साथ है, तो एंड जब ये कानून बना, उसके कानून बनने के बाद उनके अलायंस पार्टी जो उनका घटक दल था अकाली दल, उसमें केंद्र मंत्री थी हरसिमरत कौर, वो कैसे इस्तीफा दे दी, क्यों उनसे अलग हो गई? ये अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस कानून को ऐसा बनाया होता जिससे किसानों का फायदा होगा, तो एक उनका घटक दल की जो केंद्र में मिनिस्टर थी, केंद्र में जगह थी, वो छोड़कर क्यों इस्तीफा दे दी, क्यों चले गए, क्यों आज किसानों के साथ खड़े हैं? क्योंकि वो इस चीज को जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी भी किसान की हितैषी नहीं हो सकती, किसान के विषय में सोच नहीं सकती, इसीलिए वो लोग उसकी पार्टी के अलायंस पार्टी को तोड़ दिया, कई दिन से अलायंस चल रहा था, कई सालों का अलायंस तोड़ दिया। चलिए चलते चलते सानी जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। त्रिपाठी जी, मैंने अभी अपनी चर्चा हुई है और सबकी बात सुनी, आपने एक चीज मुझे जो लगता है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी किसानों को इस बिल के बारे में जानकारी नहीं दे पाई है आप, मैं अगर इसमें थोड़ा ऐड करूंगी कि जहां तक हमारे जितने स्टेट हैं उसमें से 29 स्टेट्स में 16 स्टेट्स में एपीएमपी खत्म कर चुके हैं, या कहीं ना कहीं मतलब या तो उसको संशोधन किया है या पूरी तरह से खत्म किया गया।
एमएसपी जो है सारे प्रोडक्ट्स पे एमएसपी नहीं है, सिर्फ चावल धान और इन सब प्रोडक्ट्स पे है, वो किसान बहुत सारी चीजें उगाते हैं जी। तो सारे मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एमएसपी नहीं है जी। दूसरी बात है, यहाँ पे क्लियर किया गया कि इस बिल में कोई भी तरह का पुराना जो व्यवस्था है उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, ये एक नई व्यवस्था दी जा रही है किसान को। अगर ये नई व्यवस्था पसंद नहीं आती तो पुराने व्यवस्था के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसानों का सवाल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको जानकारी कम मतलब दी नहीं गई है बिल के बारे में पूरी तरह से, और कहीं उनके अंदर डर बैठ गया है कि हमारे सब चीजें खत्म हो जाएंगी। कोई भी रिफॉर्म आता है तो एक डर होता है, तो बीजेपी को बीजेपी यहाँ पर असफल रही कि किसानों को इसके बारे में ठीक से कम्युनिकेट करने में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, सुंदरानी जी आपका, रूपन जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया तो प्रदेश में भूपेश सरकार को भी उनका समर्थन करना ही था। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदेश की भूपेश सरकार से किसान खुश हैं, जैसा कि कांग्रेस दावा करती रही है, तो फिर राज्य के किसानों के लिए सरकार इतनी चिंतित क्यों है? केंद्र सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद प्रदेश के किसान खुशहाल है, ये बात कांग्रेसी बड़े दमदारी के साथ कहते हैं। तो फिर बंद आखिर क्या औचित्य है? फिर भी बंद हुआ है तो देखना है कि इसका मोदी सरकार पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और जहां जानते हैं कि यहां बंद की वानगी कैसी रही। तो केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में भले ही आंदोलन के साथ ही प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तस्वीर उलट है। यहाँ के किसान शांत हैं और अपने अपने काम में जुटे हैं। यही वजह है कि जब दिल्ली में डटे किसान ने 8 दिसंबर को बंद का आह्वान किया तो कई जगह जरूर बंद का व्यापक असर दिखा, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसका मिला जुला असर दिखा। कुछ जगह प्रदर्शन और हंगामा जरूर हुआ, लेकिन ज्यादातर जगह तस्वीर सामान्य ही नजर आई। कोई शोरगुल नहीं हुआ। ये स्थिति तब रही जब कांग्रेस समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में बंद का बड़ा असर नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा करना अवसर है, उसके पहले देख लेते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, जो ये बता रही हैं कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद का जो आह्वान किया उसका देश के दिल में मिला जुला असर रहा। एमपी में ज्यादातर